हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ ऐसे बेसिक बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो आपको मेमोरी कार्ड खरीदने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेमोरी कार्ड खरीदने से पहले सबसे पहला जो बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि मेमोरी का कैपेसिटी चेक करना है, मतलब कितना स्टोरेज आपको चाहिए वो चेक करना है। बेसिकली ये बात तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कितना कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड चाहिए, कितना कैपेसिटी का मुझे लेना है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है मेमोरी कार्ड लेते वक्त चेक करने का, वो है आप लोग किसी भी मेमोरी कार्ड पर देखिएगा तो सभी लोग चेक करते हैं GB, मतलब उसका स्टोरेज कितना है। लेकिन ये जो आपको सर्किल में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको इस मेमोरी कार्ड पर 2 लिखा है, इस मेमोरी कार्ड पर 4 लिखा है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेमोरी कार्ड लेते वक्त चेक करने का। जिस मेमोरी कार्ड पर 2 लिखा हुआ है उसका स्पीड है 2 MB/s, और जिस मेमोरी कार्ड पर 4 लिखा हुआ है उस मेमोरी का स्पीड है 4 MB/s। तो आप लोग ये ध्यान रखकर परचेज कीजिएगा कि जिस मेमोरी कार्ड पर ज़्यादा ये नंबर लिखा रहेगा उसी मेमोरी कार्ड को परचेज कीजिएगा, जिससे आपके मेमोरी कार्ड का स्पीड अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मेमोरी कार्ड खरीदते समय आप लोग इस बात पर ध्यान जरूर दिए होंगे कि जैसे 16 GB का मेमोरी कार्ड ये है और 16 GB का मेमोरी कार्ड ये है, और दो एक का स्पीड है 4 MB/s और एक का स्पीड है 2 MB/s, मतलब इस पर 4 लिखा हुआ है, इस पर 2 लिखा हुआ है, और इसका रेट है 250 रुपये और इसका रेट है 200 रुपये। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसका स्पीड ज़्यादा दिया है, भले स्टोरेज उतना ही है 16 GB, लेकिन इसका स्पीड है 4 MB/s, इसलिए इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, और इसका स्टोरेज उतना ही है 16 GB, लेकिन इसका स्पीड कम है 2 MB/s, इसलिए इसका रेट भी थोड़ा कम। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा मेमोरी कार्ड लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।